हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन यादव आप लोग के साथ सुपर 60 एजुकेशन हब के इस चैनल पर आज कुछ नया लेकर के आया हूं आपके लिए। ये आप लोग अपने सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि ये द हिंदू एडिटोरियल है। एक शुरुआत, एक कोशिश की जा रही है आप लोगों को कुछ बेहतर देने की। आज एडिटोरियल के नाम से तो नहीं पेपर में कुछ था, बट हाँ, ये एक बहुत ही काम की चीज़, एक ऐसा मैसेज जो हम तक पहुँचना चाहिए, हमारी अर्थ से लेकर के हमारे एनवायरनमेंट से लेकर के जो हम तक आना चाहिए उस बारे में ये आज का आर्टिकल है पूरा। इस पर हम आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आप हेडिंग देख रहे होंगे ऊपर की, लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो। सम थॉट्स ऑन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये ऐसे कुछ विचार हैं, विचारों में से एक है ऑन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमंस आर नॉट, मानव वो नहीं है व्हाट दे इमेजिन देमसेल्व्स टू बी, व्हाट दे इमेजिन, जो वो सोचते हैं देमसेल्व्स अपने आप को टू बी, जैसा कि वो अपने आप को समझते हैं कि वो है, एक्चुअली में वो वैसे नहीं है। एनी वन हु हैज़ एवर, जस्ट अ मिनट, इसे हम जूम कर लेते ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। हाँ, अब देखते हैं। एनी वन हु हैज़ एवर बॉट अ प्लांट, ऐसा कोई भी व्यक्ति हु हैज़ एवर बॉट अ प्लांट, जिसने कभी एक पौधा खरीदा हो फ्रॉम अ नर्सरी, एकदम मतलब अभी नवजात पौधा, एकदम छोटा सा पौधा, वॉटर्ड इट एवरी डे, ये यहाँ से जुड़ा है एवरी, देखिएगा आप लोग, वॉटर्ड इट एवरी डे, उसको रोज़ उसने पानी दिया, एंड वॉश्ड इन डिसमे एज इट फेल्ड टू थ्राइव, और उसकी तरफ बड़ी निराशा के साथ देखा, कब, जब एज इट फेल्ड टू थ्राइव, जब वो विकसित होने में असफल हो गया, मतलब कि वो पौधा जो था जिसे उन्होंने खरीदा था एकदम शिशु अवस्था में, उसको रोज़ वो पानी देते थे, बट उसकी तरफ बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा, बड़ी निराशा के साथ देखा, कब, जब वो विकसित होने में असफल हो गया। नोज दैट, अब यहाँ से देखिएगा ये क्लॉज यहाँ से जुड़ी है, इसका सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, एनी वन, वो व्यक्ति जिसने पौधा खरीदा था, इतना सब कुछ किया, नोज दैट, वो जानता है क्या, गार्डनिंग इजेंट ईजी, मतलब कि बागवानी करना वो कोई आसान काम नहीं है। आगे हम देख रहे हैं, इवन इफ़ यू मैनेज टू ग्रो अ प्लांट, यद्यपि कि यू मैनेज टू ग्रो प्लांट, आप एक पौधे को उगाने में प्लांट सक्सेसफुली पूरी तरीके से उगाने में सफल तो हो जाएंगे, ग्रोविंग फूड इज़ अनदर बॉल गेम ऑल्टुगेदर, लेकिन इसके साथ साथ ग्रोविंग फूड, उससे पैदावार करना, अनाज उगाना इज़ अनदर, वो एक और बॉल गेम, मतलब पौधा उगाने की एक अवस्था थी उसके एकदम विपरीत की अवस्था है, अनदर बॉल गेम, ये उसके एकदम विपरीत अवस्था है, दूसरा एस्पेक्ट है उसका ग्रोविंग फूड, क्या उसे पैदावार कर देना उसके साथ साथ, मतलब कि हम केवल पौधे उगा लेना ही बड़ी बात नहीं होती, उसके साथ साथ उससे अनाज की पैदावार करना भी एक बड़ा काम होता है। वेजिटेबल्स सच एज बिटर गोट, वेजिटेबल्स सब्जियां वगैरह, जैसे कि मान लीजिए लौकी हो गई एंड टोमेटो और टमाटर वगैरह हो गया, ग्रो ऑलमोस्ट लाइक वीड्स, वो एकदम जंगली घास की तरह उगते हैं, उन्हें बहुत अधिक क्या कह सकते हैं आप, केयर की आवश्यकता नहीं होती, बट लेकिन अदर्स आर ट्रिकियर, लेकिन जो अदर्स, जो बाकी की सब्जियां वगैरह, वो क्या हैं, उनको उगाना एक जटिल काम होता है। क्यों जटिल होता है आगे देखते हैं हम। दे हैव वैरीड, वैरीड मतलब अनेक प्रकार के, दे हैव वैरीड वाटर नीड्स, उनकी अलग अलग प्रकार की पानी की आवश्यकता होती है, किसी पौधे को कम पानी, किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सॉइल रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो मिट्टी, मृदा की जो गुणवत्ता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एंड टेम्परेचर, और उनको जो हीट टेम्परेचर वगैरह चाहिए, जो तापमान चाहिए, वो उनका अलग अलग होता है, कोई कम तापमान में, कोई ज़्यादा तापमान पे उगता है। एंड और सनलाइट प्रेफरेंसेस, उनके जो सूर्य किरण, जो सूर्य की रोशनी चाहिए, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब हर एक प्रकार के जो आपके पास पौधे वगैरह होते हैं, उनको, उनके लिए पानी, उनकी जो मिट्टी होती है, उनको जो टेम्परेचर चाहिए, उनका जो सनलाइट होता है, सब अलग अलग मात्रा में अलग अलग पौधों को चाहिए होता है। और आगे बता रहे, इन द इवेंट, ऐसी अवस्था में यदि कि यू गेट ऑल ऑफ दिस राइट, अगर आप ये सब सही मात्रा में पा जाएं, यू स्टिल नीड टू प्रोटेक्ट देम, फिर भी आपको आवश्यकता होगी किस चीज़ की, टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करने, किससे, फ्रॉम पेस्ट्स, कीटों वगैरह से उनकी सुरक्षा करना, ये आपकी एक मतलब महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। आई होप सो गाइस, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, मेरी कोशिश है पहली, थोड़ा सा फोकस रहे, थोड़ा सा अगर मैं कहीं फंस रहा हूँ तो मतलब उस पर वो मत करिएगा, मेरी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, जितना अधिक से अधिक मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा जरूर हम लोगों को। आगे देखते हैं, फाइनली, अंततः, आफ्टर वीक्स और मंथ्स ऑफ केयर, महीनों और सप्ताहों के एक केयर के बाद, एंड पेशेंस, और हमारे धैर्य के बाद, योर प्लांट्स में यील्ड, आगे लिखा है आपके सामने देख रहे होंगे आप लोग, योर प्लांट्स में यील्ड जस्ट अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स, आपका जो पौधा रहेगा मे यील्ड, वो
परिणाम देगा, आपको फल देगा जस्ट फ्यू किलोग्राम सब्जी, कुछ सब्जियों का कुछ किलोग्राम सब्जियां ही उससे उग पाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसेंटली हाल ही में आई वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट, मैंने बड़े ही एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य के साथ देखा, क्या देखा, एज अ वाइन कि एक जो पेड़ की पौधे की लता थी टुक रूट इन माई बालकनी, वो मेरी बालकनी में उगी हुई थी। ठीक है, स्प्राउटेड लीव्स, उसकी जो पत्तियाँ थी बहुत तेज़ी से बढ़ी, एंड फील्ड ऑफ द, सॉरी नज़र नहीं आ रही क्या लिखा, हाँ वो थोड़ा सा पेन मेरे चलने में प्रॉब्लम कर रही है, एंड और फील्ड ऑफ द इंटायर लेंथ ऑफ माई प्लांटर इन अ मैटर ऑफ डेज, मैटर ऑफ डेज मतलब चंद दिनों में, कुछ ही दिनों के भीतर फील्ड ऑफ द इंटायर लेंथ, जो उस मेरे जो बागवान की पूरी जगह थी उसको पूरी तरीके से उसने भर दिया अपनी पत्तियों से। फ्लावर्स ब्लॉजम्ड, उससे जो फूल वगैरह थे वो उगे, एंड बिफोर लॉन्ग आई स्पॉटेड अ टाइम, और बहुत समय बीतता इससे पहले ही आई स्पॉटेड टाइनी पम्पकिन, मैंने उसमें छोटा सा एक कद्दू देखा, वो कद्दू के हिसाब से तो छोटा था लेकिन एज बिग एज अवोकेडो, लेकिन वो एक अवोकेडो मतलब एक नाशपति की तुलना में बड़ा था, एक नाशपति के साइज़ का था, उसमें जो सबसे बड़ी साइज थी उस साइज़ का था। ठीक है, द चिल्ड्रेन वर बिसाइड्स देम, सॉरी द चिल्ड्रेन वर बिसाइड, उसके बगल में, एक मिनट हम देख रहे हैं, द चिल्ड्रेन वर बिसाइड देमसेल्व्स विथ एक्साइटमेंट, जो बच्चे थे उसके बगल में खड़े थे विथ एक्साइटमेंट, पूरे ही उत्तेजना के साथ उसको बहुत ही मतलब उत्तेजित होकर के उसको देख रहे थे। वी वॉच्ड इट ग्रो ईच डे, हमने उसे देखा ग्रो ईच डे, हर एक दिन उसको बढ़ते हुए देखा, एंड आई हेल्प इट अलॉन्ग बाई कटिंग बैक, और मैंने उसकी मदद भी की अलॉन्ग बाई कटिंग बैक द वाइन, उसकी जो लताएँ थी उनको कट करके मतलब उनको बढ़ने में ताकि मतलब सहायता मिल सके, कहीं फंसे ना, इस वजह से मैं उनको कट करके एक तरीके से मैं उस पौधे की हेल्प कर रहा था। एंड स्निपिंग ऑफ, एंड स्निपिंग ऑफ द ब्राउनिंग लीव्स, और उसकी जो मतलब बड़ी बड़ी काली पत्तियाँ थी उनको मैं कट करके उसकी इस तरीके से मैं उसकी हेल्प कर रहा था। व्हेन वी फाइनली कट इट ऑफ, जब हमने उसको अंतिम बार उसकी कटाई छटाई की और उसका वजन किया तो हमने पाया कि इट वेड अ गुड 4 kg, वो उसका वजन, उस पम्पकिन का वजन जो था वो 4 kg के करीब था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं, इन आवर होम ऑफ 7, हमारे 7 लोगों के परिवार में द फ्रूट ऑफ, एक मिनट, इन आवर होम ऑफ 7, हमारे 7 लोगों के परिवार में द फ्रूट ऑफ आवर लेबर, जो हमारे इस परिश्रम का परिणाम था ऑफ आवर लेबर, डिडंट लास्ट लॉन्ग, वो बहुत देर तक नहीं चला क्योंकि भाई परिवार बड़ा था और वो फूड जो था, वो जो फल जो था वो केवल 4 kg का था इसलिए, बट लेकिन द चिल्ड्रन वर कन्विंस्ड, लेकिन जो बच्चे थे, यहाँ से देख ले रहे हैं हम लोग, लेकिन जो बच्चे थे वर कन्विंस्ड, वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि इट टेस्टेड बेटर, कि इसका जो स्वाद है वो अच्छा है, एनी बेटर देन एनी दे हैड एवर टेस्टेड, इसके पहले जितने भी उन्होंने पम्पकिन वगैरह खाए थे उनमें से ये सबसे बेहतर है। ये यहाँ पे राइटर ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि ये इसे हमने अपने घर में उगाया था इस वजह से, ना कि मार्केट से लाया था। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं क्या, नॉट क्रम वॉज वेस्टेड, क्रम मतलब छोटा सा टुकड़ा, एक टुकड़ा भी वहाँ उसका वेस्ट नहीं हुआ, बच्चों ने सारा का सारा खा लिया। ठीक है, आगे अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इफ ओनली काश वी लुक्ड एट ऑल फूड इन द सेम मैनर, हम लोग हर एक फूड के प्रति इसी तरीके से देखते, आकाश ऐसा राइटर कह रहा है, फॉर एवरी फ्रूट और वेजिटेबल, हर एक उस मतलब फ्रूट मतलब फल के लिए और उस सब्जी के लिए, दैट मेक्स इट इट्स वे टू अस, जो अपना रास्ता बनाती है हम तक, हैज़ बीन ग्रोन पेनस्टेकिंगली बाई सम फार्मर समवेयर, कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मर किसान द्वारा बड़ी ही मेहनत के साथ मेहनत करने के बाद वो उगती है और हम तक अपना रास्ता बनाती है। अगर ऐसी हर एक फल ऐसी हर एक सब्जी के प्रति हम अपना यही मेहनत जो कि उस पम्पकिन के प्रति बच्चों का था अगर हो तो कितना बेहतर होता। वन बैड मानसून, एक खराब मानसून कैन रूइन, रूइन मतलब बर्बाद कर देना, वन बैड मानसून एक खराब बरसात कैन रूइन अ क्रॉप, पूरी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है, बट लेकिन वी ऑलवेज हैव फूड ऑन आवर टेबल्स, लेकिन होता क्या है कि हमारे टेबल पर हमेशा भोजन हमारे लिए उपलब्ध होता ही होता है, एंड और फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन, और हम अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करते हैं यह सोच पाने में, दैट कि अ डे में कम कि एक ऐसा ना ऐसा दिन आएगा व्हेन वी मे नॉट, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। द ट्रुथ इज, जो सच्चाई ये है, दैट डे मे अराइव सूनर देन वी थिंक, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा किसकी अपेक्षा, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत जल्दी वो दिन
आ जाएगा। अगर यही हाल रहा पृथ्वी के साथ जो छेड़छाड़ चल रही है, अगर यही हाल रहा तो वो दिन बहुत नज़दीकी होगा हमारे लिए। देर वॉज अ बुक, एक दिन मैंने किताब पाई, देर वॉज अ बुक आई रीड टू, यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, हाँ, आई रीड टू माई डॉटर, मैंने एक दिन एक किताब पाई जो मैं अपनी बच्ची को पढ़ करके सुना रहा था, टाइटल्ड मिलियंस ऑफ कैट्स, जिसका जो टाइटल था उसका सब्जेक्ट था क्या था, मिलियंस ऑफ कैट्स, मतलब लाखों की संख्या में बिल्लियाँ, ये उसका टाइटल था। इट्स एन ओल्ड क्लासिक, ये एक बहुत पुरानी शास्त्रीय, प्रिंटेड एज फार बैक एज 1900 और 1928 के करीब की प्रिंटेड मतलब बुक थी। अल्दो द बुक्स सब्जेक्ट मैटर डील्स विद एस्थेटिक्स, यद्यपि कि जो उस बुक का सब्जेक्ट मैटर था, उसका जो विषय नज़र आ रहा था, डील्स विद एस्थेटिक्स, उसका संबंध हमें सौंदर्य शास्त्र से नज़र आ रहा था, अ फ्यू लाइन्स स्टूड आउट इन माई माइंड, लेकिन फिर भी उसकी जो कुछ लाइनें थी स्टूड आउट, वो निकल करके सामने आ गई इन माई माइंड, मेरे दिमाग में। अ वेरी ओल्ड मैन वॉज रिटर्निंग होम, उसमें एक लाइन थी, अ वेरी ओल्ड मैन वॉज रिटर्निंग होम, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति अपने घर वापस आ रहा था, विद मिलियंस ऑफ कैट्स, लाखों बिल्लियों के साथ। दे केम टू अ पॉन्ड, वो एक तालाब के पास आए, ईच कैट टुक अ सिप, हर एक कैट ने मतलब हर एक बिल्ली ने पानी वहाँ से पिया, एंड द पॉन्ड वॉज गॉन, और जो वो पॉन्ड था, वो तालाब था, पूरी तरीके से पानी से ख़त्म हो गया। वेन दे वर हंग्री, जब वे भूखे थे, ईच एट अ माउथ फुल ऑफ ग्रास, उन सभी ने मतलब अपने मुंह भर के पूरी तरीके जो उस पहाड़ पर ग्रास थी उसे खाया, एंड नॉट अ ब्लेड वॉज लेफ्ट, और एक तिनका तक नहीं बचा उस घास का वहाँ पे। ह्यूमन्स हैव बीन अराउंड फॉर एन एस्टिमेटेड 200,000 ईयर्स, जो मानव है ह्यूमन्स हैव बीन अराउंड फॉर एन एस्टिमेटेड 200,000 ईयर्स, करीब करीब अनुमानता 200,000 वर्षों से ह्यूमन जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पृथ्वी पर रह रहा है, बाई सम अकाउंट्स, कुछ आंकड़ों के आधार पर ये बताया जाता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में ज़रा सोचिए, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज, हजारों शताब्दियाँ लग गई टू रीच द लेवल ऑफ बिलियन पीपल, बिलियन पीपल के एक लेवल पहुँचना, मतलब हमारी संख्या बिलियन में होने में हमें हजारों शताब्दियाँ लग गई, एंड टुडे, और आज वी आर एट 7.5 बिलियन, हम 7.5 बिलियन की संख्या में हैं। हैव वी एवर वॉन्डर्ड, क्या कभी हमने इस चीज़ पर आश्चर्यचकित हुए हम, क्या कभी हमने सोचा, जस्ट हाउ मैनी पीपल अर्थ कैन टेक, कि कितने लोगों का भार ये अर्थ सहन कर सकती है, हाउ मैनी कैन इट फीड, कितने लोगों को खिला सकती है, बिफोर देर इज जस्ट अ माउथ फुल लेफ्ट फॉर ईच ऑफ अस, इससे पहले कि हमारे प्रत्येक के लिए केवल एक निवाला भर बचे खाने के लिए, इसके पहले कितनों को खिला सकती है। वी प्रज्यूम, हम ऐसा मानते हैं, वी हैव एन एंडलेस सप्लाई ऑफ फूड, कि हमारे पास खाने के अनंत संसाधन हैं, हमारे पास भोजन कभी कमी हो ही नहीं सकती। बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच्चाई है, इस की दैट द क्वालिटी ऑफ आवर सॉइल, कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है इस डिटेरिटिंग, वो निरंतर नाश होते जा रही, ख़त्म होते जा रही, थैंक्स टू द लार्ज स्केल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, और किन कारणों से, कि बहुत अधिक मात्रा में जो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक एंड टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ हैं, दैट एंटर द सॉइल, जो मिट्टी में मतलब प्रवेश कर जा रहे हैं, एंड वाटर और पानी में थ्रू गार्बेज डिस्पोजल, हमारा जो कूड़ा करकट का डिस्पोजल जो हो रहा है, बाहर हम फेंक देते हैं या फिर पानी वगैरह फेंक देते हैं, उसमें से निकलने वाले जो कीटनाशक हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनकी वजह से हमारी मृदा का बहुत बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है, डिटोरेट हो रही है, वो ख़त्म ख़राब हो रही है। अब अगले पैराग्राफ में राइटर ने यहाँ पे बताया आपको, मतलब जो हमारी मरीन के साथ हो रहा है, हमारे जो समुद्र वगैरह में जानवर हैं, वो जो एक ज़िंदगी है समुद्र की ज़िंदगी, उसके बारे में बता रहे हैं। डेड जोन्स, ऐसे मृत क्षेत्र, एरियाज इन द ओशन, सागर वगैरह में जैसे क्षेत्र हैं, दैट कैन नो लॉन्गर सस्टेन ग्रोथ, जहाँ पर अब बहुत अधिक मात्रा में विकास नहीं हो सकता, आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे डेड जोन से वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेसीज, जो वहाँ पे उसमें रहने वाली जो प्रजातियाँ हैं, आर ग्रोइंग एक्सटेंट, वो अपने समापन की ओर बढ़ती जा रही हैं, एट एन अलार्मिंग रेट, और बहुत ही तेज गति से। मोर एंड मोर ऑफ मरीन लाइफ, अधिक से अधिक जो मरीन लाइफ, जो पानी का जीवन है, आर बीइंग फाउंड विथ प्लास्टिक इन देयर बॉडीज, वो मतलब उसमें जीवन, उसमें जो रहने वाली प्रजातियाँ हैं, जो भी कीट हैं, जानवर हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, आर बीइंग फाउंड विथ प्लास्टिक इन देयर बॉडीज, उनके शरीर में, उनके बॉडी के अंदर क्या प्लास्टिक पाया जा रहा है। फिश इज़ गेटिंग प्रोग्रेसिवली अनसेफ, मछलियाँ जो है निरंतर रूप से अनसेफ होती जा रही हैं टू ईट, खाने के लिए, मतलब हमारे द्वारा खाने के लिए मछलियाँ अनसेफ होती जा रही हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। एंड और प्रेगनेंट वुमेन आर कॉशनड, और जो प्रेगनेंट वुमेन होती हैं आर कॉशनड अगेंस्ट ईटिंग मेनी फॉर्म्स ऑफ सी फूड, उनको
मनाही की जाती है बहुत अधिक मतलब प्रकार के सी फूड वगैरह से दूरी रखी जाती है, मना किया जाता है उनको खाने से बिकॉज ऑफ किस कारण से, बिकॉज ऑफ कंसर्न्स अबाउट द मर्करी लेवल इन देम, उनके अंदर के जो जो पारे का जो लेवल है निरंतर जो बढ़ रहा है उसकी उसकी चिंता को देखते हुए प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब जो सी फूड है उनसे दूर रखा जा रहा है। इफ़ आवर वाटर इज़ ग्रोइंग अनफिट टू सपोर्ट मरीन लाइफ, यदि हमारा जो पानी है वो अब अनफिट हो जाएगा किसके लिए, टू सपोर्ट अ मरीन लाइफ, वो जो पानी में जो जीवित हैं उनके लिए जब उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो हाउ विल इट सपोर्ट अस, तो हमें आखिर कैसे सपोर्ट कर पाएगा, ये राइटर का यहाँ पर क्वेश्चन है। मतलब वो एक तरीके से हमसे हमें बताना चाह रहा है कि स्थितियाँ धीरे धीरे निरंतर रूप से बिगड़ती जा रही हैं। वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड, हम वो चीज़ें खरीदते हैं वी डोंट नीड, जिनकी हमको आवश्यकता ही नहीं है, ऑफन टायर ऑफ देम, और बहुत जल्दी उनसे हम उब जाते हैं एंड थ्रो देम अवे, और उन्हें हम बाहर फेंक देते हैं। विदाउट अ थॉट, बिना एक बार भी सोचे किसके बारे में, टू ऑल द रिसोर्स, उन सभी संसाधनों के बारे में, इट टुक टू मेक देम, जो उस थिंग उस चीज़ को बनाने में लगे हैं उन सभी संसाधनों के बारे में बिना एक बार भी सोचे हम उसे लेते हैं, उससे थक जाते हैं, उब जाते हैं और उसे फिर फेंक देते हैं। द न्यूमरस आर्टिफैक्ट्स, जो बहुत ही अधिक मात्रा में जो मानव कृतियाँ होती हैं, वी गिफ्ट ईच अदर मेक नो सेंस, जो हम एक दूसरे को देते हैं और उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, सर्व नो पर्पस, उनसे कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं सिद्ध होता है, एंड डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, बल्कि और वो होता है उससे क्या है कि हमारा पर्यावरण की क्षति ही होती है एक तरीके से। एवरीथिंग फ्रॉम फास्ट फैशन, हर एक वो चीज़ फ्रॉम फास्ट फैशन जो हमारे आज के प्रचलन के तौर पर है, टू फास्ट फूड, हमारे प्रचलन से लेकर हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे खाद्य पदार्थ वगैरह जो मार्केट मिलते हैं फास्ट फूड टाइप के, इज़ अ बर्डन, एक तरीके का क्या है, बर्डन है द अर्थ शुडंट हैव टू बियर, जो कि इस पृथ्वी को नहीं सहना चाहिए था लेकिन उसे सहना पड़ रहा है, और ये हो किसके वजह से रहा, हमारी आपकी वजह से, क्योंकि हम सच्चाई को समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते हैं, जब तक वो हमारे सामने अपना प्रकोप ये पृथ्वी नहीं दिखाती तब तक तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। वी कैन डू अ लॉट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी, नॉट जस्ट द अर्थ, केवल पृथ्वी की नहीं बट आवर सेल्फ, बल्कि हमारी भी, अगर पृथ्वी सही रहेगी तो हम भी हमारा जीवन भी और अधिक लंबा होगा, अधिक अच्छे माहौल में हम रह पाएंगे एनवायरनमेंट में। किसकी सहायता से, वो हेल्प कैसे की जा सकती, बाय गार्डनिंग, बागवानी करके, कंपोस्टिंग, जो मतलब हमारी फसलें उनमें अच्छे से खाद वगैरह देखें, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगा करके, अवॉइडिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और प्लास्टिक वगैरह के सिंगल यूज़ तक को सिंगल यूज़ से दूर रह करके, ठीक है। फिर आगे है सच एज स्ट्रॉ एंड प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, कैसे, जैसे प्लास्टिक की पाइप वगैरह होती है या फिर प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है, इनको इनसे दूर रख करके हम इसे मतलब हम उस अर्थ की और खुद की हेल्प कर सकते हैं। ईटिंग लोकली ग्रोन, हमारे अपने लोकल वे में जो उगाई गई चीज़ें, हमारे अपने यहाँ उगाई गई चीज़ें उनको उनको खाना, ऑर्गेनिक फूड्स खाना, एंड रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन, और जो नॉनवेज वगैरह उनको खाने में जो कमी आ रही है, विल गो अ लॉन्ग वे, ये पर्याप्त है इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स, हमारे पर्यावरण की जो चिंता है और जो समस्या है उनको बताने के लिए हमारी ये सब चीज़ें पर्याप्त उदाहरण के रूप में काम कर जाएंगी, ये पर्याप्त है इस चीज़ को बताने के लिए कि कितनी चिंता का विषय है हमारा पर्यावरण हमारे लिए इस समय। अ फ्यू नाइट्स अगर कुछ रात पहले, वेन डिबेटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट, एक शाकाहारी भोजन के लाभ और हानि के बारे में जब हम डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, अ फ्रेंड डिक्लेयर्ड, हमारे एक मित्र ने डिक्लेयर्ड दैट, ये घोषित किया या उसने ये कहा, मच लाइक द ब्यूटिफुल लायन, मतलब एक हेल्दी लायन की तरह, वी आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, हम जो भोजन श्रृंखला होती है उसमें हम सबसे टॉप पर हैं, एंड और वी कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, हम जो चाहते हैं हम वो खा सकते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर्गूमेंट इज़ ओल्ड एंड टायर्ड, और जो लोगों का ये कहना था कि सबसे ऊपर हम हैं तो हमारा जो क्या हमारा सर्वाइवल है सबसे टॉप पे है, इज़ ओल्ड एंड टायर्ड, अब ये जो बात है ये पुरानी हो चुकी है हमारे अर्थ के हिसाब से। वी डोंट ईट मीट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हम अब पहले के लोग तो सर्वाइवल के लिए मीट होता था लेकिन अब हम सर्वाइवल के लिए मीट नहीं खाते हैं, बल्कि किसके लिए, हम प्लेजर के लिए खाते हैं। आगे देखिए लिखा है, वी डोंट ईट मीट फॉर सर्वाइवल, हम जिंदा रहने के लिए मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं, वी ईट इट, हम इसे खाते हैं फॉर प्लेजर, हम अपने आनंद के लिए। बट दैट असाइड, लेकिन उसके साथ साथ देर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लायंस एंड ह्यूमंस, एक मूलभूत अंतर है लायंस में और हमारे बीच में, ह्यूमंस के बीच में,
क्या अंतर है कि द लॉयन इज प्रेडेटर, जो शेर है वो एक क्या एक तरीके का शिकारी है, वो शिकार करके अपना भोजन करता है। इट टेक्स व्हाट इट नीड्स, वो लेता है जो उसकी आवश्यकता है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए वो अपनी चीज़ जो उससे उसकी आवश्यकता है वो उसको ले लेता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर अ टेप वॉर्म, एक जो टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म लोग जानते होंगे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे एक कीड़ा हो जाता है, वो डॉट 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 करके होता है और फिर वो और बढ़ता जाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अ टेप वॉर्म, एक जो टेप वॉर्म होता है, लिव्स इन आवर स्टूडेंट, जो हमारी आंतों में होता है, शख्स न्यूट्रिशन, हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसको पूरी तरीके से ख़राब करता है, ख़त्म कर देता है। एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज, और धीरे धीरे हमको पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करता, तबाह कर देता है। एंड इट्सेल्फ, और ख़ुद भी वो तबाह हो जाता है। इट्स टाइम, ये वो समय है, वी रियलाइज, जब हमने समझा दैट कि वी शुड चेंज, हमें बदलना चाहिए। वी आर नॉट द मैग्निफिशेंट प्रेडेटर्स, हम बड़े बड़े शिकारी वैसे शिकारी नहीं है जो पर्यावरण का ह्रास करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करें। वी इमेजिन आवर सेल्व्स टू बी, इतना बड़ा शिकारी हम नहीं जितना कि हम आप खुद को सोचते हैं। वी आर एक्चुअली द पैरासाइट्स, बल्कि हम क्या हैं, एक तरीके के परजीवी हैं। तो इससे, इस पूरे आर्टिकल से हमने तो यही समझा कि जिस रूप से डिटेरेशन हो रहा है इस अर्थ का, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे खुद अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, वरना जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे बहुत जल्द हमारा नाश हो जाएगा, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक कोशिश थी, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दें, फीडबैक दें, बताएं क्या कैसा रहा। अगर कुछ अच्छा रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ, या फिर अगर और सुधार की ज़रूरत है तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ फिर, और उसमें फिर कुछ नया करने की, कुछ और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूँ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, और फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय।